welcome to my channel sequence study ajma pukkarari from the diary of n frank class 10th first flight and please if you are new to my channel then don't forget to subscribe to my channel and if you like my videos getting help from them then please like and share to my videos सो लेट स्टार्ट लाइफ में पोर्ट इट मोर क्लियरली तो इसमें डायरी एंड फ्रेंक की अगर आपको इसकी एक्सप्लेसन चाहिए तो मैं आपको लिंक भेज दूँगी इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड uh, इसके अंदर तो ये है मेन आपको मैं आइडिया बता देती हूँ कि जो तो लड़की है वो तेरह साल की लड़की है एंड फ्रेंक और वो डायरी लिखती है क्योंकि उसको लगता है कि मेरा कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है और मैं डायरी में सब कुछ अपनी बातें अपने दिल की पूरी जो मेरी बात है वो मैं लिख सकती हूँ आप देखो इसमें जो स्टार्टिंग से मैं आपको बताती हूँ स्टेट ट्रू और फॉल्स तो देखो इसमें है लेट मी पुट इट मोर क्लियरली तो ये बात क्यों कहती है वो क्योंकि वही वो कहने के लिए ये बात कहना चाहती है कि भाई जो मैं हूँ वो अकेली नहीं मतलब वो कह रही कि मैं वैसे वो कहती है कि मैं अकेली हूँ है ना कि मेरा कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है पर दूसरे में मैं वो ये कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ मेरे जो है क्या है फैमिली है मेरे फ्रेंड्स हैं मेरी आंटीज़ हैं एन एक्सपोजिशन तो इसमें जो है एट जो स्टेटमेंट है वो कहें एन एक्सपोजिशन है एक्सपोज कर रही है वो इस बात को अकम्प्रीहसिव डिस्क्रिप्शन दे रही है कि जो और एक्सप्लेनेशन दे रही है ऑफ एन आइडिया कि जो मेरी फैमिली है पर आई एम नॉट अलोन इन दिस वर्ल्ड ठीक है ना तो यहाँ इट कैन बी अपलाई टू द स्टेटमेंट्स यू कैन भी अप्लाई टू द स्टेटमेंट्स इट इज़ ट्रू क्योंकि वो कह रहे हैं कि वन ऑफ द स्टेटमेंट्स क्या अप्लाई करते हैं तो येस yes, ट्रू अगला है सेकेंड पार्ट द नरेटर इज़ अ रादर लोनसम पर्सन इलाबोरेट इन अबाउट फोर्टी वर्ड्स द नरेटर इज राधर इज़ अ राधर लोनसम पर्सन राधा लोनसम का मतलब रेदर का हम यूज़ करते हैं कि मतलब वो एक तरफ से पार्शियलिटी एक तरफ ज़्यादा झुकाव है उसका कि भाई मैं अकेला हूँ और दूसरी तरफ उसकी पूरी फैमिली है और एक तरफ क्या प्रेफरेंस दे रहा है कि मैं अकेला हूँ तो उस तब हम यूज़ करते हैं वर्ड रैदर द नरेटर इज अ रे इज एदर अन्नसम पर्सन बिकॉज शी डज नॉट हैव अ ट्रू फ्रेंड वो क्यों लोनसम है क्योंकि उसका कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है शी हैज अ फैमिली लविंग आंट्स गुड होम बट नॉट हैव अ ट्रू फ्रेंड नेक्स्ट जो है जो द फॉलोइंग क्वालिटीज़ जो है नरेटर की हैं तो एक तो सीक्रेटिव है एक एलोफ़ है सीक्रेटिव और एलोफ़ का मतलब यहाँ है कि वो रिजर्व टाइप की है आपको ये दो क्वालिटीज़ हैं तो इनके बारे में अगर एक्सप्लेन करने के लिए आए कि आपने ये क्यों चुनी है दो क्वालिटीज तो सीक्रेटिव इन द सेंस बिकॉज शी इज रिजर्वड यहाँ पर तो लिखने की जगह नहीं है रिजर्वड है वो क्योंकि वो अपनी बात किसी को उसका शेयर नहीं कर सकती उसको ऐसा लगता है कि नहीं जो बस एक ट्रू फ्रेंड को ही मैं अपनी बात बता सकती हूँ तो सारे लोग होने के बावजूद भी और एलूफ का मतलब ये है कि वो जो है एकदम इतनी फ्रेंडली नहीं है कि वो अपने मतलब उसकी एक सिस्टर भी है वो उसको बता सकती है तो अनफ्रेंडली हो जाते हैं मतलब जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं अनफ्रेंडली है मतलब वो सबके साथ बड़ी जल्दी फ्रेंडशिप नहीं बना लेते तो वो होते हैं एलूफ तो इससे ये ये क्या है एंड फ्रेंड भी क्या है एलूफ है दो गए इसके पॉइंट्स उसके बाद है tone नरेट the expression and I am not is one of refusal. ऑफ refuse तो रिफ्यूज है कि मैं अकेली नहीं हूं इसलिए रिफ्यूजल है Which word or phrase आप देखो इसमें जो है ऑन द सर्फेस का मतलब होता है सीमिंगली देखने में सरफेस को मतलब ऊपर ऊपर परत कहते हैं सरफेस क्या है ऊपर की परत होती है तो सीमिंगली लगा सकते हो आप या सुपरफिशली ऊपर से देखने में मैं क्या है मेरे पास बहुत सारी फैम मतलब मेरी फैमिली है तो सारे लोग हैं बट देन ऑल्सो आई एम अलोन वही कहना चाहती है अगला है uh, क्या कहते हैं स्टीडियो टाइप क्या है तो दीरियो टाइप दैट मोस्ट सोसाइटीज डू हैव अबाउट टीन एजर्स यंग पीपल इज दैट दे आर नॉट अलोन इन द वर्ल्ड तो कोई भी नहीं सोचे वो कहते ना ये कोई नहीं सोचेगा कि भाई मैं तेरह साल की लड़की अलोन हूँ है ना उसके बाद है द एक्सट्रैक्ट एक्सप्रेस आ कंट्रास्ट कंट्रास्ट का मतलब उसकी फैमिली होते हुए भी वो कह रही है अलोन तो कंट्रास्ट है कंट्रास्ट का मतलब एक ऑपोजिट बात है आगे है इसमें से क्या ट्रू है क्या ये एटलीस्ट वन ऑफ द ऑप्शन तो वो कह रहे हैं क्या इनमें से कोई ऑप्शन कोई भी ऑप्शन क्या ट्रू है एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी ट्रू कैसे हैं देखो वो उसको किटी को क्या कह रही है ट्रिब्यूट दे रही है और इसके अंदर वो पर्सोना भी कह सकते हैं ट्रिब्यूट का मतलब यहाँ पे है कि वो एक फॉर्मल एक्सप्रेशन और रिस्पेक्ट दे रही है और एडमायर कर रही है अपनी किटी को फॉर सम फॉर समथिंग समथिंग मतलब कि वो जो है उसकी बेस्ट फ्रेंड है तो एक तरह से ट्रिब्यूट भी है दूसरे नंबर पर इसको परसोना भी हम कह सकते हैं परसोना का मतलब यहाँ पे है अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ करेक्टर उसको बना देती है वो किटी को क्या बना रही है मेन जो है परसोना आज़ाद आएगा क्योंकि वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ करेक्टर उसको अपना किटी को डायरी को जो बुक है उसको अपना क्या बना रही है बेस्ट फ्रेंड बता रही है और पर्सनालिटी बता रही है जस्ट लाइक एवरी ह्यूमन बीइंग जैसे कि किसी इंसान की पर्सनालिटी होती है द एक्सप्रेशन आई वुड रेड फुल फॉर्म तो इसे ये जो है क्या है स्टेटमेंट क्या है ट्रू है आगे है द एक्सप्रेशन आई हैड बेटर तो यहां लिखा है इन्होंने आई हैड बेटर वैसे इसका मतलब होता है आई वुड बेटर आई वुड बेटर तो इसका मतलब यह है कि ऑब्लिगेशन है उसको मतलब वो बता वो लिख रही है कि मुझे नहीं बताना कि मेरी फैमिली या मैं अपने बारे में बताने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ मतलब जो पुराना मेरा बैकग्राउंड है तो इसे वो क्या करती है मगर उसको ऑब्लीगेशन है ऑब्लिगेशन आएगा क्योंकि उसको मतलब कंपल्शन सी लग रही है कि मुझे बताना पड़ेगा नहीं तो अदरवाइज़ लोगों को समझ नहीं आएगा कि मेरे मैंने डायरी में क्या लिखा है और मैंने क्यों लिखा है सब राइट डाउन समथिंग हरेडली का मतलब होता है जॉट डाउन और दूसरे का स्टार्ट डूइंग समथिंग एंड टू प्लंज राइट इन नेक्स्ट देखो उसके बाद आता है हमारा आंस आइडिया इंक्लूडिंग अ बायोस्केच हर लाइक इन द पिकनिक ऑफ अ डायरी इज़ अ क्लेवर आइडिया बिकॉज नो वन वुड अंडरस्टैंड क्योंकि वो क्लेवर आइडिया क्यों समझती है बिकॉज नो वन वुड अंडरस्टैंड वर्ड ऑफ हर स्टोरीज टू किटी इफ शी वर टू प्लज राइट इन उसके बाद है आप देखो ये पोएम कैसी है नरेटिव पोएम है क्योंकि इसमें एक स्टोरी है अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी स्टोरी बता दी ये पोएम तो इट इज अ नरेटिव पोएम तो वो कह रहे हैं कि कोई भी मैच नहीं करेगा नो फॉल्स बिकॉज इट इज अ नरेटिव पोएम आगे स्टेट वन इन्फ्लुंस अबाउट व्हाट द अबाउट द करेक्टर्स ऑफ आदर जो है वो कौन है स्वान uh, जो है रिप्रेजेंट करते हैं मिस्टर कीजिंग को एंड बेबी डकलिंग्स रिप्रेजेंट एनिस क्लास विच ऑज दिट नॉट हैपन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नरेटर्स वो एम तो देखो द नरेटर स्टॉप टॉकिंग वो तो बोलना शुरू हो जाती है दोबारा सेटिंग वो होमवर्क तो ये बात नहीं होती है उल्टा वो तो बातें करने बैठ जाती है और उसको होमवर्क देना भी वो बंद कर देते हैं मिस्टर कीजिंग विच वर्ड Would correctly substitute in the contrary. On the contrary. on the contrary, ka In contrast. Uske bada why is HPR to say that Mr. Keezing took Anne's poem in the right spirit? Mr. Keesing took Anne's poem in the right spirit because after that he did not stop Anne from talking and assigned no extra homework to her. He himself started making jokes after that. दिस्ट टू क्वालिटीज मिस्टर कीजिंग की दो क्वालिटीज़ बताओ वॉम एंड जेनुन है और दूसरे नंबर पर वो अंडरस्टैंडिंग है बिकॉज अब देखो इनकी अगर आपको आ जाए कि क्यों है वॉम एंड जेनुन वॉम एंड जेनुन बिकॉज ही अंडरस्टैंड कि वो एंडस की स्टोरी को समझ जाते हैं एंड ही उसको वो कुछ वो उसे बदला नहीं रहते कि भाई तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों मुझे सुनाया कि मैं ये हूँ फादर स्वैन के साथ से, वो उसको क्या करते हैं उसकी बात समझ जाते हैं और उसको जो है फिर बोलना मतलब उसको मना कर ये नहीं कहते कि भाई तुम अबत बोलो है ना तो वो ऑमेन जेनुन है और अंडरस्टैंडिंग है सो थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एनी प्रॉब्लम आक्स मी इन द कमेंट बॉक्स